मूवी शुरू होती है न्यूयॉर्क में। प्रिया नाम की एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बात से परेशान हो के वो अपने बॉयफ्रेंड अभी के साथ लिव इन रिलेशनशिप की बात अपनी आंटी शैलेजा को बताने के लिए उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिलती है। प्रेगनेंसी की बात सुन के आंटी खुश होती है। यहाँ से सीन 2011 में शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि प्रिया अभी से कैसे मिली थी। प्रिया शैलेजा की हस्बैंड राव की कंसल्टेंसी के लिए स्टूडेंट्स को पिक करने एयरपोर्ट जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन राव के थ्रू अभी अमेरिका आता है और प्रिया उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अभी वहाँ जॉब के लिए आया होता है और राव उसके लिए कुछ इंटरव्यू शेड्यूल करता है, पर अभी इंटरव्यू से ज़्यादा अपना सपना एक ऐप बनाने में लगा हुआ होता है। फिर एक दिन अभी वैद्य नाम की एक ऐप डिज़ाइन करता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई भी डिजीज और इंजरी डिटेक्ट कर सकती है, पर राव अभी की ऐप को डिसअप्रूव करते हुए उसे पहले एक जॉब लेने के लिए कहता है। लेकिन अभी अपनी बात पर अड़ा रहता है और कुछ इन्वेस्टर को अपनी ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए मनवा लेता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते। इसलिए राव के अभी को मना करने के बाद प्रिया उसे अपना स्टार्टअप करने के लिए और कोडर्स को हायर करने के लिए $15,000 दे देती है, जिससे अभी बहुत खुश हो जाता है और अपने ऐप को ग्रो करने में फोकस करता है। आने वाले कुछ टाइम में वो ऐप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है और एक दिन अभी प्रिया को उसके पैसे वापस देने जाता है और उसे प्रपोज करता है। प्रिया और अभी को प्यार हो जाता है और वो दोनों एक घर लेकर वहाँ एक साथ रहने लगते हैं। देखते ही देखते 5 साल बीत जाती है और टाइम के साथ ग्रो होने के कारण अभी बहुत इगोइस्टिक और सेल्फ सेंट्रिक बन जाता है। वो चेंज होने लगता है जिस कारण उसके सबके साथ रिलेशनशिप खराब होने लगती है। प्रिया भी उनके बीच आई दूरियों के कारण अभी से शादी करने को मना कर देती है। उनका रिलेशनशिप लव से फॉर्मेलिटी में बदल जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। आंटी शैलेजा प्रिया को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अभी को बताकर उसे चेंज होने का एक मौका देने को कहती है, तो प्रिया अभी को ये बात बताने के लिए उसके ऑफिस जाती है। वहाँ वो अंकल राव को बैठा हुआ देखती है तो उनके पास जाती है और पता चलता है कि उनकी कंसल्टेंसी से 60 लोगों को न्यूयॉर्क में सेटल करने में प्रॉब्लम हो रही है। राव उन्हें जॉब प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा, उसकी कंसल्टेंसी कर्जे में डूब गई होती है। अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर राव अभी को मिलकर उसे अपने 60 लोगों को उसकी कंपनी में जॉब दिलाने को कहने के लिए वहां आया होता है। यह बात प्रिया अंदर अभी को बताने के लिए जाती है, पर अभी उसे सीधा मना कर देता है क्योंकि 5 साल पहले राव ने उसे स्टार्टअप के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। और अंदर वो चिल्ला चिल्ला के राव को बुरा भला कहता है, जो कि राव सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के कारण प्रिया अभी से ब्रेकअप करके चली जाती है और राव की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तभी अभी को उसके एक बड़ी इन्वेस्टर से कॉल आती है तो उसे पता लगता है कि राव ने ही उस इन्वेस्टर को वैद्य में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया था। यह सब जानकर अभी को अपनी गलती के लिए अफसोस होता है और उसे दौरा पड़ने लगता है। उसकी अंतरात्मा उसे इन सब के लिए कोसती है। अभी को लगता है कि उसकी सक्सेस के पीछे बस उसके अकेले का हाथ है, इसलिए अभी की अंतरात्मा उसे उसके पास्ट को दोबारा रिमेम्बर करके उन सभी लोगों को याद करने को कहती है जिन्होंने उसे आज तक मदद किया है और उसके सक्सेस के पीछे जिनका हाथ है। इसके बाद अभी अपने पास्ट को याद करता है। 2002 में 18 साल का अभी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट और नारायणपुरम में कमाल की हॉकी खेलता है। एक दिन एक बोट रेस में हिस्सा लेते टाइम साइड के रास्ते से टैक्सी में एक लड़की को जाता हुआ देख के बोट लेकर उसका पीछा करता है और अनजाने में बोट रेस जीत जाता है। उसे उस लड़की से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। 48 ईयर्स बाद अपने गांव को बोट रेस में जिताने के लिए विलेज का हेड नारायण राव उसे एक ट्रॉफी देने के लिए बुलाता है और वहां वही लड़की होती है जिसे अभी ने फॉलो किया था। वो नारायण की बेटी पार्वती उर्फ पारो है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर जब नारायण को पता चलता है कि अभी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है और उनकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो नारायण अभी की हायर स्टडीज के लिए पैसे देने के लिए मान जाता है। सब उसके लिए बहुत खुश होते हैं। फिर धीरे धीरे अभी और पारो मिलना शुरू करते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पारो बहुत अच्छा खाना पकाती है और अभी को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है, तो अभी उसकी तारीफ करता है और उसे कुकिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए कहता है। पारो कुकिंग स्कूल में एडमिशन लेती है और दोनों मिलते रहते हैं। जब नारायण को उन दोनों के बारे में पता लगता है तो वो अभी की माँ को अपने बेटे के साथ गांव छोड़कर जाने के लिए धमकाता है। जब अभी को इस बारे में पता चलता है तो वो रात को पारो के घर छुप के उससे मिलने जाता है और उसे सब बता के प्रपोज करता है। अगले दिन अभी अपनी माँ के साथ गांव छोड़कर जाने के लिए स्टेशन पहुँचता है तो पारो भी घर से भाग के उसके साथ चलने के लिए वहाँ आती है।
वह अभी पारो के लिए अपना सपना और करियर छोड़ के कोई भी काम करने का कहता है तो पारो अभी की भलाई के लिए उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए उसके साथ जाने से मना कर देती है और उसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करके अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कह के वहाँ से रोते हुए वापस चली जाती है। यहाँ से शिन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अभी को लगता है कि उस दिन पारो ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो अंतरात्मा उसे समझाता है कि अगर उस दिन पारो ने उसे छोड़ा नहीं होता तो आज वो इतना सक्सेसफुल नहीं बनता। अभी को इस बात का एहसास होता है और वो पारो से मिलने जाता है। उसकी अब शादी हो चुकी है और उसे दो बेटियाँ हैं। पारो अपना यूट्यूब कुकिंग चैनल चलाती है। फिर अभी पारो को उसे सही टाइम पर अकेला छोड़ने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसके कारण आज वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। फिर वो पारो को उसके फादर नारायण के बारे में पूछता है तो पारो बताती है कि उस दिन जब वो स्टेशन से घर वापस आई थी तब से लेकर आज तक 17 सालों से नारायण उससे बात नहीं करता। ये सुन के अभी गाँव जाता है और पारो और नारायण को दोबारा मिलाने में मदद करता है। इसके बाद अभी पारो को अलविदा करके बचपन की बातों को याद करता है और प्रिया को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है पर वो फोन नहीं उठाती। प्रिया हॉस्पिटल में आंटी शैलजा की मर्जी के खिलाफ एबॉर्शन कराने जाती है पर उनके समझाने पर मान जाती है। प्रिया फोन नहीं उठाती इसलिए उसे मनाने के लिए अभी की अंतरात्मा उसे वैशाख की उसी कॉलेज में जाने के लिए कहता है जहां अभी ने पढ़ाई की थी और शर्वा से मिलने के लिए कहता है, जिसके साथ एक बार अभी की फाइट हो गई थी और उसे चोट लग गई थी जिसका निशान अब तक अभी के हाथ में है। इसके बाद अभी जाता है वैशाख और सीन 2006 में शिफ्ट होती है। वहाँ अभी और एमएलए का बेटा श्रवा उर्फ शिवा के बीच 3 साल से दुश्मनी चल रही होती है। अभी अपने फादर का सपना पूरा करने के लिए हॉकी इंडियन टीम में शामिल होना चाहता है पर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में शिवा अभी के फादर का हॉकी स्टिक तोड़ देता है तो अभी उसे बहुत पीटता है और यहाँ से दोनों की दुश्मनी शुरू होती है। फिर वो दोनों किसी न किसी बात से फाइट करते रहते हैं पर शिवा की बहन जीनू के साथ अभी का भाई बहन जैसा रिश्ता होता है जो कि उन दोनों की दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करती है। कॉलेज के फाइनल मैच के दिन शिवा अपने टीम के साथ अभी को मैदान में पीट के उसे हराने का पूरा प्लान करता है पर चीनू उनकी यशरी बातें सुन लेती है और अभी को जाकर बता देती है, जिस कारण शिवा का प्लान फेल हो जाता है और अभी हॉकी जीत जाता है। उसके सिलेक्शन रेलवे की टीम में हो जाती है तो गुस्से में आकर शिवा ग्रेजुएशन के बाद मैसेज करके अभी को हॉकी के मैदान में लाकर अपने गैंग के साथ मिलके उसे बुरी तरह से पीटता है। अभी ट्रेन पर चढ़ के बच के निकल जाता है पर पिटाई के कारण उसका हाथ टूट जाता है जिससे अभी का हॉकी का करियर खत्म हो जाती है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अभी शिवा से मिलने जाता है। शिवा अब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है। वो अभी को देख के दुश्मनी भूल के उसे गले लगा लेता है। फिर शिवा बताता है कि कॉलेज के जैसा वो पॉलिटिक्स में भी सबके साथ फाइट करता रहता था, जिसके चलते 6 साल पहले उसके कार में किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था जिसमें वो अपना एक पैर खो चुका है। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी के साथ गलत किया था तो शिवा उसे सॉरी बोलता है और चीनू से मिलने के लिए कहता है पर अभी मना कर देता है क्योंकि जिस दिन शिवा ने अभी को स्टेडियम बुला के मारा था उस दिन चीनू ने ही उसे अपने फोन से मैसेज करके स्टेडियम बुलाई थी उसे शिवा से पिटवाने के लिए। तो शिवा उसे सच बताता है कि उस दिन वो मैसेज चीनू के फोन से उसने किया था, मतलब कि शिवा का वो प्लान था। चीनू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर अभी चीनू से मिलने जाता है तो चीनू उसे देख के बहुत खुश होती है और हग करके रोने लगती है। तो अभी उसे प्रॉमिस करता है कि अब से हर साल राखी के दिन वो चीनू से मिलने आएगा। फिर अभी शिवा को थैंक्स बोलता है क्योंकि अगर उस दिन शिवा ने उसे मार के हाथ तोड़ा नहीं होता तो आज वो मामूली सा रेलवे का जॉब कर रहा होता। उस दिन टूटे हुए हाथ के साथ जब वो ट्रेन पर चढ़ा था उसके पास डॉक्टर नहीं था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ के साथ क्या हुआ है और वहीं से उसके दिमाग में वैद्य ऐप बनाने का सिद्ध चढ़ गया था जो कि आज एक सक्सेसफुल ऐप बन गया है। उन दोनों को बाय बोल के अभी न्यूयॉर्क वापिस आता है और राव के उन 60 लोगों को वैद्य में सेटल कर देता है। फिर वो अपने उन एम्प्लॉयज को दोबारा हायर कर लेता है जिन्होंने स्टार्टिंग में उसे सक्सेसफुल होने में मदद की थी और अभी ने उन्हें काम से निकाल दिया था। अभी वैद्य ऐप को फ्री कर देता है और खुद CEO की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। इधर प्रिया को राव के फ्यूनरल पर शैलजा से अभी की इन सब काम के बारे में पता लगता है तो वो अभी को एयरपोर्ट मिलने जाती है जहां वो राव की कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहा होता है। अभी पूरे टाइम में उसका साथ देने के लिए प्रिया को थैंक्स बोलता है और वो दोनों दोबारा मिल जाते हैं। प्रिया उसे उनके बच्चे के बारे में बताती है तो वो दोनों उसे बच्चे को अपनाने का डिसाइड करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।